हेलो एवरीवन वेलकम टू माय अनदर वीडियो तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कॉन्फिगर डीएससीपी इन तो डीएससीपी का बेसिकली यूज क्या होता है तो डीएससीपी एक आपके नेटवर्क में ऐसा प्रोटोकॉल है इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करूं इट इज अ डायनामिक host configuration protocol तो ये काइंड ऑफ एक प्रोटोकॉल है ठीक है जो कि आपके नेटवर्क में ऑटोमेटिकली टीसीपी आई पी प्रोवाइड करता है योर एंड होस्ट ठीक है तो मेरे नेटवर्क में अगर डिवाइस हैं तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है तो आईपी एड्रेस को अगर आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग डीएससीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो डीएससीपी का यूज बेसिकली हम लोग करते हैं एक बड़े साइज के नेटवर्क के अंदर तो अगर मेरे नेटवर्क का साइज काफी बड़ा है तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक एंड ईच एंड एवरी मशीन पे जाएं एक एक करके और उस पर जाके आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अपने नेटवर्क में डीएससीपी जो है वो कॉन्फिगर कर सकते हैं तो डीएससीपी कॉन्फिगर करने के दो मेथड हैं और डीएससीपी सिर्फ आप राउटर नहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसके ऊपर आप डीएससीपी कॉन्फिगर कर सकते हैं तो जो रियल प्रोडक्शन में जो हम डीएससीपी कॉन्फिगर करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक डीएससीपी सर्वर डिप्लॉय करते हैं ठीक है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर टू कोई भी एक सर्वर का आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल करें और उस पर डीएससीपी की सर्विसेज को कॉन्फिगर कर दें ठीक है एक तो ये मैथड हो गया लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके नेटवर्क में आ, कोई ऐसा सर्वर डिप्लॉय नहीं है तो कैसे आप अपने सिस्को के राउटर को डीएससीपी सर्वर बनाएंगे ठीक है तो ये राउटर एज अक्ट करेगा मेरा डीएससीपी सर्वर इसी को हम लोग डीएससीपी सर्वर डीएससीपी सर्वर एक्ट करवाएंगे और मेरे नेटवर्क में जितने भी मशीन्स हैं ये ये क्या करेंगे ऑटोमेटिकली इनको आईपी एड्रेस मिलेगा ठीक है तो कैसे कॉन्फिगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्फ्य के लिए कैसे हमें करना है वो बताता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है आ, यहां भी जो मैंने देखी जो लैब है मैंने लैब में कह लिया कि मैं ये नेटवर्क को यूज करूंगा ठीक है अच्छा तो जो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूं मैं एक बेसिक डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन राइट इसके बाद मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर मेरे नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट वीलेंस हैं डिफरेंट नेटवर्क हैं तो एवरी वीलेंस के लिए मेरा ये जो राउटर है ये कैसे आईपी प्रोवाइड करेगा ठीक है वो हमारा अंदर पार्ट है वो एडवांस पार्ट में रहेगा इसके बाद वाले पार्ट में तो इसमें बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे मेरे पास एक नेटवर्क है 192, मेरे पास एक ही नेटवर्क है और इसी नेटवर्क से मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना है सभी सिस्टम्स को तो कैसे करूंगा मैं ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले इस सर्वर के ऊपर यानी इस राउटर के ऊपर आपको एक डीएससीपी का पूल क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है और उस पूल को क्या देना होगा आपको एक नेम कुछ भी नाम दे सकते हो अभी डिस्कस करेंगे जब कॉन्फिगरेशन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क कि हमें

वो इसी नेटवर्क से तो आई पी एड्रेस रहेगा मेरा इस राउटर का वन नाइन टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन ये मेरे नेटवर्क का आईपी रहेगा ठीक है सिस्टम का मतलब राउटर का तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे राउटर को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा और आई विल से इंटरफेस गीगाबीट जीरो बाई वन ठीक है शट करेंगे कमांड से क्योंकि इंटरफेस को मुझे अप करना है देन आई विल से आई एड्रेस 192, 168, 255, 255, 255 Do right. तो मैंने सबसे पहले इस राउटर के ऊपर एक आईपी एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया हुआ है तो कैसे करा है मैंने चेक कर लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड तो यू कैन सी तो मेरे पास जो आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड है वो 192.168.10.1 है तो अब मुझे इसके ऊपर करना है डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन तो डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है और आपको यहाँ पे कमांड देना है आईपी डीएससीपी पुल तो सबसे पहले आपको एक पुल क्रिएट करना होगा और पुल का एक नाम देना है जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी नाम आप दे सकते हैं तो मैं यहां पे देता हूं माई पुल एंटर अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कमांड देना है नेटवर्क कि आपको कौन से नेटवर्क से एड्रेस प्रोवाइड करवाना है तो यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान बनाना चाहूंगा कि अभी के लिए जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वन नाइनटी एक सेम नेटवर्क में ही मेरा राउटर है और उसी नेटवर्क से मेरे सभी डिवाइसेस को आईपी प्रोवाइड करेगा तो आपको वही नेटवर्क देना है जिस नेटवर्क से आपका राउटर बिलोंग करता है तो आई विल से वन नाइनटी टू वन और सबनेट मास्क आपको क्या प्रोवाइड करवाना है तो आई विल से टू फिफ्टी फाइव तो नेटवर्क कमांड देना है सबसे पहले आईपी डीएससीपी लिखना है पूल लिखना है और उसके बाद मैंने पूल का नेम दिया तो मैं डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे सबसे पहला कमांड आपको नेटवर्क देना है और वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट जीरो और टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी डॉट जीरो ये मैंने कमांड दिया तो इसके बाद अभी जितने भी मेरे डिवाइसेज होंगे उनको जो नेटवर्क में से जो आई पी मिलेगा वो मिलेगा वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट जीरो नेटवर्क से तो पहले आईपीस को भी क्या मिलेगा सिस्टम को अगर ये सिस्टम नेटवर्क पे आता है तो तो सबसे पहले उसको मिलेगा टेन 10 क्योंकि 10.1 मैंने ऑलरेडी कॉन्फिगर किया हुआ है राउटर के इंटरफेस पे तो पहली आईपी जो प्रोवाइड होगी वो 10.2 होगी और उसके बाद बाकी सो ऑन जो भी नेटवर्क में ने दूसरा सिस्टम जो आएगा तो उसको आईपी मिलेगा वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट थ्री ठीक है तो लेकिन मैं यहाँ पे और भी कुछ कॉन्फ्यूशन करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डीएससीपी सर्वर है ठीक है मेरे जो डीएससीपी सर्वर है वो IP करना शुरू आईपीड्रेस यहां से आईपीएड प्रोवाइड करना शुरू करे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं अपने डीएससीपी को बताऊंगा कि आप क्या करें वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन से लेके फोर्टी नाइन तक के आईपी को क्या कर दें एक्सक्लूड कर दें तो जैसे ही उसको उस पुल में से इसको एक्सक्लूड कर देगा तो पूल के अंदर से आईपी जो प्रोवाइड करना शुरू करेगा वो फ्रॉम स्टार्टिंग 10.50 मतलब 192.168.10.50 से वो प्रोवाइड करना शुरू करेगा ठीक है साथ साथ में डीएससीपी सर को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है एक डिफॉल्ट गेट का एड्रेस भी प्रोवाइड करो क्योंकि जो डीएससीपी सर्वर है वो आईपी एड्रेस के साथ साथ डिफॉल्ट गेट डीएनएस एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकता है ठीक है तो मैं अपने राउटर से जो डीएससीपी सर्वर से जो मैं आई डी प्रोवाइड करूंगा एज डिफॉल्ट गेट मैं चाहता हूं कि वो डिफॉल्ट गेट प्रोवाइड करे वन नाइनटी टू वन सिक्सटी ऑब्वियसली मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है तो यही आईपी एड्रेस मेरे एज अ गेट रहेगा तो मैं यही आईपी एड्रेस एज ए डिफॉल्ट गेट प्रोवाइड करना चाहूंगा तो डीएससीपी में कैसे करेंगे वो भी देखते हैं अभी हम लोग और उसके बाद में डीएनएस का जो सर्वर एड्रेस है डीएनएस सर्वर की भी जो आईपी मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो मैं 8 .8 .8 .8. आप कोई भी आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं बट मैं एट डॉट ए डॉट गूगल का एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ आईपी एड्रेस तो कैसे करेंगे इसको उसके लिए पहले तो सबसे पहले आपको ये नेटवर्क कमांड देना है और उसके बाद देना है डिफॉल्ट राउटर अगर आपको डिफॉल्ट गेटवे कमांड देना डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करना है तो आपको देना है डिफॉल्ट राउटर और उसके बाद वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन तो मैं एवरी डिवाइस को जो मेरे नेटवर्क में होंगे उन सभी को जो डिफॉल्ट गेट डिफॉल्ट राउटर एंड देन आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर ध्यान रखें कि अभी सारी कॉन्फिगरेशन सर्वर के अंदर ही रहकर करना है आपको उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड दूंगा दूंगा डीएनएस सर्वर मुझे डीएनएस की आईपी भी प्रोवाइड करनी है तो डीएनएस आईपी मैं चाहता हूं कि एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट प्रोवाइड करें तो ये दोनों काम हो गए अब जो लेक्स्ट काम है वो क्या था कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो राउटर है जो डीएससीपी सर्वर है वो जो पहली आईपी प्रोवाइड करे वो 50 से आईपी प्रोवाइड करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा वन नाइनटी टू वन से लेकर टेन तक एक्सक्लूड कराना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे ये डीएससीपी जो कॉन्फिगेशन है इससे बाहर आना पड़ेगा ध्यान रखें मैं भी डीएससीपी पी कॉन्फिगेशन के अंदर हूँ यहां से एग्जिट करना है और इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही कमांड देना है आईपी डीएससीपी एंड देन एक्सक्लूड एड्रेस और उसके बाद आपको देने पहली आईपी आपको कहां से स्टार्ट करनी है जहां तो से एक्सक्लूड करे तविल से वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट वन से लेके वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट फोर्टी नाइन तक क्या कर दे ये राउटर मेरा एक्सक्लूड कर दे तो इसका मतलब है कि मेरा जो राउटर अब पहली आईपी प्रोवाइड करेगा विच इज फ्रॉम वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट फोर्टी नाइन फिफ्टी सॉरी ठीक है तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे डू राइट करके कमांड को सेव भी कर लेते हैं तो मेरी कॉन्फिगेशन डन है और ये सारी के सारी कॉन्फिगेशन आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा सबसे पहले मैं इस सिस्टम पे आऊंगा आईपी पे जाऊंगा और यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करके डी पे क्लिक करते हैं देखते इसको कौन सी आईपी मिलती है इसको आईपी एड्रेस मिला है 192, 160, और इस पे आते हैं और इस पे भी जाके देखते हैं इसको क्या मिलता है वन नाइनटी टू वन सिक्सटी टेन डॉट फिफ्टी टू ठीक है तो स्टार्टिंग फिफ्टी से करना चाहिए था इसको क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर डीएससी कॉन्फिगर किया हुआ था एज ए लैब तो इसलिए फिफ्टी उसके पूल में पहले से पड़ा हुआ किसी तो इसलिए फिफ्टी उसने पहले से इसको दिया हुआ था तो इसलिए इसने इसको दोबारा से फिफ्टी आईपी ना देखिए फिफ्टी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं आपकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो फिफ्टी से ही होनी चाहिए और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्टी टू ले रहा है कोई दिक्कत नहीं इसने क्या लिया फिफ्टी वन लिया है ऐसे मैं नेटवर्क में अगर एक और सिस्टम लगाता हूँ एक और लगाता हूँ और यहां से भी इसको कनेक्ट करते हैं स्विच से स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी इंटरफेस से कनेक्ट कर लो और यहां से मैं इस पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आता हूँ आईपी पे चलता हूँ और डीएससी पे पे क्लिक करता हूँ देखते आई पी एड उठाता है ये तो ये फिफ्टी थ्री ले रहा है ठीक है तो इस तरीके से जितने भी आप अपने डिवाइसेस यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आई पेडस जो है अब आपका राउटर जो है देना शुरू कर देगा नेक्स्ट आई पी देखते हैं क्या लेता है फिफ्टी फोर लेगा ऑब्वियसली अब आप बोलेंगे फिफ्टी क्यों नहीं लिया है तो बेसिकली फिफ्टी ऑलरेडी मैंने इस सिस्टम को प्रोवाइड किया हुआ था तो डी के ऊपर ऑलरेडी इस पर मैंने कॉन्फिगर पहले किया हुआ था ये मेरा पहला पुराना लैब है इसी वजह से वो उसने स्टार्टिंग फिफ्टी से नहीं किया अगर मैं राउटर को रिबूट कर दूँ तो ये फिर से वो आई पेडस फिफ्टी से ही स्टार्ट करेगा ठीक है चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक काम कर लेते हैं उसको करके चेक कर लेते हैं ताकि मैं वेरीफाई करवा दूं आपको टीएससीपी 54 दे रहा है ठीक है तो व्हाट आई विल वा डू जस्ट पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर पे आए और राउटर को पहले डू राइट करके कमांड सेव कर लें ठीक है और उसके बाद मैं इसको रीलोड कर देता हूँ ठीक है एंटर एंटर तो इससे क्या होगा राउटर रिबूट होगा डीएससीपी सर्विस से दोबारा से रीसेट होगी तो मेरी जो आईपी आईपीएड प्रोवाइड करेगा वो फ्रॉम 50 से करेगा ठीक है तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं तो ठीक है अब इस स्विच पे पीसी पे चलते हैं ये देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टी ठीक है तो इस पे चलते हैं स्टैटिक फिर डीएससीपी पे क्लिक करें फिफ्टी टू मिल गया क्योंकि ऑलरेडी फिफ्टी वन होगा मेरे नेटवर्क में ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन और सिसकोर तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं अगले वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आऊँगा एडवांस लेवल के डीएससीबी कॉन्फ़िगरेशन होगी और वीडियो में अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कुछ अगर आपके सुझाव हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर